हेलो, वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर या जिसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कहते हैं, उसका लेक्चर नंबर थर्ड है। तो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप लोग लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम एलटी केमिस्ट्री के लिए, जो 2024 का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर कम्प्लीट हो गया था तो आज ये क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर इसके अलावा आपको कोई फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आपका, टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट, टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट मे बी डिफाइंड आइडेंटिफाई विद, दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के अंदर हैं तो उसे किससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आपको पता है दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कौन सा क्वांटम नंबर अलग होता है, वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है, अगर एक है आपका क्लॉकवाइज तो दूसरा कैसा होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ। तो फोर्थ क्वांटम नंबर से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है हमारा, एन होता है, एन इक्वल टू कितना हो गया, थ्री। द नंबर ऑफ इट्स सबशेल एंड ऑर्बिटल्स वुड बी, तो अगर एन इक्वल टू थ्री है तो टोटल सबशेल कितने होंगे और ऑर्बिटल कितने होंगे। तो सबशेल क्या होता है, एल, अगर एन थ्री है तो एल कितना होगा, एल होगा उससे कम, यानी कि ज़ीरो, वन और टू, ठीक है। तो ये होने वाला है। तो आपके पास एस एस सबशेल है, पी सबशेल है और डी सबशेल है, राइट। तो टोटल कितने सबशेल हैं तुम्हारे पास, तीन सबशेल हैं। अब ऑर्बिटल कितने होंगे, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं बोलो, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस में एक ऑर्बिटल होता है सर, ठीक है, एक डब्बा बनाते हो ना। पी में कितने होते हैं, पी में होते हैं हमारे पास तीन ऑर्बिटल, राइट। और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में होते हैं हमारे पास पांच ऑर्बिटल। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, हाँ तो ठीक है, पांच ऑर्बिटल ये हो गए, तीन ये हो गए और एक ये हो गया, तो पाँच, तीन, आठ और एक, नौ। तो सबशेल्स कितने हो गए, सबशेल्स कितने हुए, तीन। तो तीन सबशेल है और पाँच, तीन, आठ और एक, नौ, नौ क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। तो आंसर का क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो किसी सबशेल में, किसी सबशेल में, अगर किसी शेल में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो क्या फार्मूला पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, टू एन स्क्वायर। अगर किसी सबशेल में बताना चाहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो सबशेल के लिए क्या फार्मूला होता है, टू, टू एल प्लस वन। अगर मैं आगे का टू हटा दूँ तो वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या लिखना होगा, कॉन्फिग्रेशन लिखना होगा। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो क्या हो जाएगा, 1s2, फिर 2s2, 2p6 और ये 3s2। तो कितना हो गया, 6, 4, 10, 2, 12 हो गया है। दो इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो दो हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या p6 के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा, है ना, p में 6 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं मैक्सिमम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कोई भी अनपेयर्ड यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, ठीक है। तो 22 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, ये आएगा 22। अब तुम्हें मैंने पहले ही बताया था, लेक्चर जब पढ़ाया था, कि अगर 4s और 3d में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन पहले किससे जाता है, 4s से। तो 4s को हटा दो, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो क्या बचा, लास्ट में डी बचा। तो डी में पांच डब्बे होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो दो हैं, ठीक है। आयरन में चेक करो, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 26, तो क्या बनेगा इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ये हुआ 26। दो इलेक्ट्रॉन निकालने, ठीक है, किससे जाएंगे, s से जाएंगे। तो d में बचे 6 इलेक्ट्रॉन,
तो 6 एम्पियर नहीं होंगे, ध्यान रखना, डब्बे बना लेना। इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं। ठीक है, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसका होता है 23। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 23, इसका कॉन्फिगरेशन आता है 3d3 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 यहाँ से निकालोगे, 1 यहाँ से निकालोगे, तो यहाँ पे बचेगा 3d2। तो 2 ही एनपीएड इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे ज़्यादा एनपीएड इलेक्ट्रॉन किस में है फिर आपका? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट कैन गो टू नेक्स्ट ऑर्बिट। तो जैसे ये न्यूक्लियस है हमारा मान लो, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद हमारे पास क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। तो एक शेल से दूसरे शेल, यानी कि एक शेल से अगर आपको कहाँ जाना है, एक शेल से दूसरे शेल जाना है, ठीक है, एक सेकेंड ना, चलो, तो एक शेल से अगर तुम्हें दूसरे शेल में जाना है तो उसमें क्या होगा? एक शेल से दूसरे शेल जाने के लिए एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखो इसमें, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। रेडिएशन तो गेन करेगा लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी रेडिएशन लिया और इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाए, है ना, क्योंकि ये गैप फिक्स होते हैं, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी या एनर्जी भी क्या होगी? फिक्स होगी, राइट। सेकेंड देखो, मतलब नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ट्राइटियम। ट्राइटियम पता है क्या होता है? 1H3 आइसोटोप्स होते हैं आइटियन के 3, 1H1 सबको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, तो हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? इन दोनों को माइनस कर दो तो कितने हैं यहाँ पे? 2। इसमें कितने होते हैं ड्यूटेरियम में? 1। इसमें कितने होते हैं न्यूट्रॉन? 0। तो कितने हैं ट्राइटियम में? 2। तो राइट आंसर 6 ए हो गया, सॉरी। फिर नेक्स्ट, द स्टेटमेंट विच इज या आर करेक्ट। ठीक है, अब देखो ये वाला टॉपिक समझा देता हूँ मैं तुम्हें, मतलब याद करा देता हूँ, पढ़ा तो मैंने सब दिए, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल नोड का फॉर्मूला होता था n-1। ठीक, और हमारे पास होते हैं रेडियल नोड, रेडियल नोड को ही स्फेरिकल नोड भी कहा जाता है, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। और फिर आते हैं एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड इसका फॉर्मूला होता है एल। अब चेक करो, पहला ऑप्शन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नोड्स इन और ऑर्बिटल, तो पहला भी ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ये भी फॉर्मूला ठीक है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, ये भी ठीक है, तो सब ठीक है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। चलो ये वाला ट्राई करो तुम लोग, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 आर करेक्टली डिस्क्राइब। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका ग्राउंड स्टेट का, तो कैसे बनेगा देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल काउंट करो, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, इसमें टोटल कितने आ रहे हैं? तो 6, 4, 10, 11, 12, 12 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे बताओ? सोडियम में तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। मैग्नीशियम में होते हैं ना 12, तो बस यही हो गया। अब एल्यूमिनियम भी दिया है डीएनए को, तो ठीक है, एल्यूमिनियम दिया है आपका कितना? 3 पॉजिटिव, तो ये 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 10 ही बचेंगे ना, तो बस सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो इसे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम विद एटॉमिक नंबर 19। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, देखना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 19, तो सबसे पहले 19 जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो, तो 1s2 2s2 2p6
3s2 कितना हो गया, 6 4 10 2 12, फिर 6 18 3p6, 1s2s 2p 3s 3p 4s कितना बचा, 1। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका। अब ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। पहला देखते हैं, चलो n इक्वल टू अगर 2 है, कहाँ पे n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 किस में हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है ना, आगे वाला नंबर क्या होता है n, तो n 2 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, n 2 हो सकता है। सेकंड ऑप्शन को देखो, n 2 हो सकता है सेकंड ऑप्शन में भी, ठीक है, n इक्वल टू 3 होता है सी ऑप्शन में, तीन वाले भी हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ हो सकता है, n इक्वल टू 3 यहाँ भी हो सकता है, तो n से तो पता नहीं चल रहा है। आप l देखते हैं, l 0 किसके लिए होता है, l 0 होता है आपका s ऑर्बिटल के लिए, तो पहले ऑप्शन में देखो l 0 दिया है, तो बिल्कुल हो सकता है अगर हमारे पास सेकंड n 2 है तो l 0 हो सकता है क्योंकि s है। फिर दूसरे वाले ऑप्शन को देखो, अगर तुम्हारे पास अगेन n इक्वल टू 2 है तो क्या l 1 भी हो सकता है, मतलब 1 का मतलब क्या हुआ, क्या p ऑर्बिटल हो सकता है n इक्वल टू 2 वाला, तो बिल्कुल हो सकता है 2p ऑर्बिटल। फिर थर्ड ऑप्शन को देखो, अगर n 3 है तो l कितना है, 1 दिया है, तो एस पी क्या p हो सकता है, 3 मतलब क्या मतलब हुआ इसका, 3p हो सकता है इसमें, तो बिल्कुल है 3p भी है सर हमारे पास। लास्ट वाला देखो, अगर n इक्वल टू 3 है तो क्या l इक्वल टू 2 हो सकता है, यानी कि 0 1 0 1 2 एस पी और डी, तो क्या यहाँ पर 3d भी पॉसिबल है, बताओ 3d है इसके लिए, नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए कहा है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, कौन सा वाला था ये, एल इक्वल टू 2, तो डी वाला, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट, अच्छा एक और था उसमें, अच्छा ये तो स्टडी हुआ है पी एच ओ भी। चलो नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम, चलो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 11, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6 4 10, 1, 3s1, तो सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो इसको फोकस करना है, ठीक है, तो n कितना हो गया, 3 हो गया, l कितना होगा, s के लिए l कितना होता है, 1, ठीक है, और m क्या होता है, माइनस l से प्लस l, यानी कि माइनस 0 से प्लस 0, एक डब्बा। स्पिन बताओ इसका, स्पिन कैसा होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऊपर की तरफ ही होगा। कितना हो गया, प्लस हाफ। पूछा कौन सा क्वांटम नंबर था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, तो 0 आंसर है इसमें, ये है लास्ट वाला। चलो नेक्स्ट देखो, अगली बार से वाटर मार्क हटा देंगे, ठीक है, मैंने हार्ड कॉपी में निकाल के दिया था बच्चों को क्लास में, इस वजह से लगा हुआ है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है, किन के लिए होता है, माइक्रो, जिनको आप देख नहीं सकते हो, तो किन को नहीं देख सकते हो इसमें से, ऑप्शन में से, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं सर जेट प्लेन भी नहीं दिखता है, ठीक है, तो क्या आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फिर है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, बस मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर और ये डिफरेंट मास, तो सी इज द राइट आंसर। चलो 13 वाला देखो, तो एन ऑर्बिटल इन विच एन इक्वल टू 4, एल इक्वल टू 2, तो एन 4 दिया है, तो एन दिया है आपको 4, यानी कि फोर्थ शेल है, एल है 2, एल 2 का मतलब क्या हुआ, अरे मैंने 0 लिख दिया, एल कितना है, 2 है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, क्या होता है, 0 1 2, एस पी और ये डी, तो ये क्या है, मतलब डी सबशेल है, तो कौन सा हुआ, 4d हुआ, तो क्या आंसर है, 4d, ठीक है, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो तुम्हें इसको प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे से बना लो। नेक्स्ट, विच वेव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच वेव प्रॉपर्टी, कौन सी वेव प्रॉपर्टी है सारी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, तो जो किसके प्रोपोर्शनल हो,
एनर्जी के, तो एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, वेवलेंथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, बी इज़ द राइट आंसर। एक ये याद कर लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg में, और ग्राम में होगा तो 1000 और आ जाएगा, तो इसलिए -28 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन भरना किसने सिखाए थे, सर आपने सिखाए थे, नहीं मैंने तो सिखाए थे, किस रूल के अकॉर्डिंग थे, हुंड्स रूल है ना, कि सारे इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे भरे जाने चाहिए, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर अप होंगे। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा गया, देखो मैंने दो एक्सेप्शन पढ़ाए थे तुम्हें, क्रोमियम और कॉपर। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता था, 3D5 और 4S1, यानी कि S का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाता है, D में, तो कौन सा वाला आंसर सही है, लास्ट वाला। ये दोबारा आ गया, देखो ये एटॉमिक नंबर 24 का कॉन्फ़िगरेशन ढूंढो, बताओ कौन सा होगा। तो अभी मैंने बोला ना 3D5 4S1, किस में नज़र आ रहा है, ये देखो 3D5 4S1 नज़र आया सबको, 3D5 4S1। ठीक है, तो ये होता है, ये रहा आपका 3D5 4S1। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो विच इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, n=4 और m=+1। वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे कि n=4 हो और m क्या हो, +1 हो। अब इसमें बड़ी गलती करते हैं लोग, देखो मैं समझाता हूँ, n=4 है और m क्या है, 1। अब देखो m की एक ही वैल्यू, m की ना बहुत सारी वैल्यू होती है, जैसे एक डब्बा बनाया तुमने, फिर तीन डब्बे वाला बनाया p, फिर तुमने d बना दिया मान लीजिए, ये है, इसके लिए तो ज़ीरो होता है, इसके लिए क्या होता है, -1 0 +1, इसके लिए क्या होता है, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, इसने क्या कहा है कि m कितना होना चाहिए, +1, तो m तो +1 यहाँ भी हो सकता है, m+1 यहाँ भी हो सकता है। अब चाहे वो पहले वाले में हो या फिर दूसरे वाले में, मुझे बताओ इस +1 के अंदर इलेक्ट्रॉन भर कितने सकते हो, दो ही तो भर सकते हो ना, तो चाहे +1 हो, +2 हो, -1 हो, 0 हो, सब में m में एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये कह रहा है कि n=4 है ना, अब देखो कहानी क्या है, अगर तुम्हारे पास n=4 है तो l की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। अब तुम्हें पता है कि ये तो एक ऑर्बिटल होता है, और ये वाला क्या है, p, p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, अभी मैंने बनाया, तो इसमें -1 0 +1, तो इसमें भी एक +1 है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी एक +1 आएगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी एक +1 वाला आएगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, तो राइट आंसर 6। ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं हो, ठीक है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि पहला क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, वो बताता है हमें साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, बनाते हो ना ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे दिखाते हो आप न्यूक्लियस, फिर ये शेल्स बनाते हो ना, ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल्स भी होते हैं और साइज भी बताते हैं, अगर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा एटम होगा, चार शेल हैं तो, पाँच शेल होंगे तो और बड़ा एटम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये वैसे तो दूसरे चैप्टर में भी आ जाता है किसी न किसी भी नाम, बट यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो क्या कहा जा रहा है इसमें, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एन एटम इज़ गिवन बाई, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रख लो क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है √NN+2, जहाँ पे n क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन इज रिलेशन इज बिटवीन, तो डी ब्रोगली इक्वेशन मैंने याद कराई थी तुम्हें, क्या होती है, λ = h/mv, और एम वी को क्या लिखते हैं, हम पी, तो मोमेंटम होगा, तो देखो कौन सा है, ये वाला है, डी ब्रोगली इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स मोमेंटम। चलो नेक्स्ट,
विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ एक्सट्रीमली स्मॉल वेवलेंथ, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ उतनी कम, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी की होती कॉस्मिक रेज, तो उनकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और सबसे कम एनर्जी की होती रेडियो वेव, तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। राइट आंसर क्या है आपका, ये ठीक है। चलो इसको देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है हमसे, द वैल्यू ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर, तो चार क्वांटम नंबर दिए हैं, द एलिमेंट इज, के है, टी आई है, एन ए है, क्या है। चलो बना के देखते हैं, एन इक्वल टू फोर है पहली बात, तो वो कौन से पीरियड में रहता है, फिर फोर्थ पीरियड में, यानी कि फोर्थ शेल है। उसके लिए एल कितना है, ज़ीरो है। एल ज़ीरो का मतलब कौन सा सब शेल है, एस सब शेल, मतलब किसकी बात चल रही है, फोर एस की बात चल रही है, ठीक है। एम ज़ीरो है, एस के लिए तो एम ज़ीरो ही होता है, मतलब एक डब्बा होता है, तो ठीक है एक डब्बा है। प्लस हाफ लिखा है, खाली एक ही हाफ लिखा है, ठीक है, दोनों होते तो प्लस माइनस लिखता, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो फोर एस वन किस में आएगा चेक कर लो, पोटेशियम में आएगा, मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, तुम चेक कर लेना, ठीक है। पोटेशियम को जब लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 आएगा, जबकि टाइटेनियम में 3d2, 4s2 आता है, सोडियम में 3s1 आता है, स्कैंडियम में 3d1, 4s2 आता है, ठीक है, चेक कर लोगे कॉन्फिगरेशन लिख के। हाँ जी, फिर है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या सवाल पूछा गया है तुमसे, बताओ, ये तो तुम्हारे साथ मजाक हो गई है ना। तो 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है, तो ये रहा 1s2, ये रहा 2s2, और ये रहा 2p3, तो p में तीन भर दो और इनमें दो दो भर दो, तो चलो देखो कौन सा वाला आंसर है, ए वाला आंसर है, ठीक है। अब क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स वाई जेड 19, 21, 25 रिस्पेक्टिव, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एम शेल, तो 19 है, 21 है, और 25 है। 19 लिखते हैं चलो पहले, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, और ये 4s1, ठीक है। तो कौन से शेल में पूछा गया, एम शेल में, तो मुझे बताओ, ये पहला शेल जो होता है, वन बताता है शेल को, ठीक है, ये पहला शेल क्या कहलाता है, के शेल, जिसमें टू और टू आ रहे हैं वो शेल कौन सा हुआ, एल, जिसमें सब में थ्री थ्री आ रहा है तो वो हुआ के एल एम, ठीक है, और ये वाला कौन सा हो गया, एन। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसमें तो पता लग गया तुम्हें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 21 वाला लिखो, चलो 21 वाला लिखते हैं, तो 21 अगर हम लिखेंगे तो मिलेगा 1s2, फिर मिलेगा 2s2, फिर मिलेगा 2p6, फिर मिलेगा 3s2, फिर मिलेगा 3p6, फिर मिलेगा 4s2, फिर मिलेगा 3d1, चेक कर लेना कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। तो भाई पहले शेल में, के शेल में एक दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और सेकंड वाला शेल कौन सा हो गया, एल, थर्ड वाला जिस नंबर जिसमें थ्री आ रहा है, ठीक है, थ्री तो इसमें भी आ रहा है, लास्ट वाले में भी है ना, तो वो भी थर्ड शेल है। तो थर्ड शेल में 6, 7, 8 और एक 9, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। 25 में चेक करेंगे, अब 25 में चेक करो, तो 25 का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लिखूँ मैं, अब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 25 है, 5 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, काउंट कर लो, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 19, 20, 25। तो बताओ पहला शेल के, फिर ये एल, एम शेल वाले कौन कौन हैं, ये हैं, तो कितने हो गए, 5, 6, 5, 11 और 12, 13 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यार इसमें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 25 में है, फिर 21 में उससे कम, और 19 में, यानी कि जेड वाई एक्स कौन सा है, जेड वाई एक्स है भी नहीं है कोई, ये सी है, ठीक है। चलो कहाँ चलो सर, अभी तो हमें बहुत पढ़ाई करनी है, पढ़ लिख कर जग में है छा जाना। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड एटॉमिक नंबर इज 11, तो एटॉमिक नंबर है 11, कोई एलिमेंट है एक्स लिख देता हूँ मैं इसको, और मास नंबर है 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है,
प्रोटॉन्स भी वही होते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है। तो जिस सीक्वेंस में पूछा है उसी सीक्वेंस में आंसर करना, ठीक है। प्रोटॉन्स पूछे हैं तो प्रोटॉन 11 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन पूछे हैं इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे, तो 11 11 वाला ऑप्शन तो वैसे भी पहला वाला ही है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस, तो 11 11 22 और ये 12, ठीक है। चलो तो बस लास्ट स्लाइड हम करेंगे, इतने क्वेश्चंस कर लेना काफ़ी है, तो इसमें और भी बट इतने कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तुम लोग इन्हीं को प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। एंगुलर मोमेंट ऑफ मोमेंटम, चलो देख लेंगे, अभी करने का मन करेगा तो करा लेंगे। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जूम करें थोड़ा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, ठीक है, ये याद रखना। फिर क्या है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ प्लस हाफ एंड ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ माइनस वन, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ, तो माइनस वन, अब वन वैल्यू किसके लिए नहीं आ सकती, एस के लिए, तुम्हें पता है एस के लिए जो एल एम की वैल्यू होती है माइनस जीरो से प्लस जीरो जीरो ही होती है, तो एस के लिए नहीं हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। तो नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल या रूल लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल टू टू, तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल ऑफ टू, तो किसने बताया हमें, इलेक्ट्रॉन वगैरह भरने की कहानी हुंस रूल ने सिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू फोर, तो एन इक्वल टू कितना है, फोर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, चलो देखते हैं। एल क्या क्या होगा मुझे बताओ, ज़ीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा और फोर होगा, एस पी डी एफ जी। अब तुम्हें एस पी डी एफ में तो डब्बे बताएं कितने होते हैं, लेकिन लास्ट वाले में नहीं पता ना, मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ तुम्हें, चलो। तो पहले इसमें लिख लेते हैं, इसमें तो सबको पता है एक ही डब्बा होता है, एक ऑर्बिटल। पी में कितने ऑर्बिटल, तीन। डी में कितने, यहाँ पर लिख दूँ एस पी डी एफ जी, ठीक है। तो जिसमें डायरेक्ट बता सकते हो डायरेक्ट बताओ। तुमने एस में बता दिए कितने डब्बे, वन। तुमने पी में बताने हैं, पी में कितने डब्बे, तीन। तुमने डी में बताने हैं, डी में कितने डब्बे, पाँच। तुमने एफ में बताने हैं, एफ में कितने डब्बे, सात। पहले इनको ही काउंट कर लो, सात तीन दस दो बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, तो सोलह तो ये आ गए हैं। अब तुम्हें पता है आगे एक और भी तो है, तो आंसर तो 16 से ज़्यादा आना है, तो आंसर तक तो हम वैसे ही पहुंच जाएंगे, समझ गए, ऑप्शन इसीलिए होते हैं। बट मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, कि हम कैसे निकालते हैं मैक्सिमम ऑर्बिटल। जैसे कोई नया आ जाए तो उसके लिए मैंने बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस 1, आगे का 2 हटा देंगे, अगर आगे से 2 लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो L इक्वल टू 4 रखो तो कितना आएगा, 4 टू 8 प्लस 1 कितना आ गया, 9 आ गया। तो 16 9 25 आ रहा है आंसर सही, ठीक है। नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे करो और उसे देख लो, ठीक है ना। तो ये कहानी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है, और इतने क्वेश्चंस कर लेना सफिशिएंट है, ठीक है। क्वेश्चंस तो हैं करने के लिए बहुत, बट आपने जो है लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से, मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल समझाए हुए हैं, देन आपने ये क्वेश्चंस कर लेने, बाकी इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।